तेरा दुख दूर करके आनंद का तेल लगाऊंगा और तेरी उदासी हटाकर स्तुति के वस्त्र पहनाऊंगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। प्रभु के सामने दीन बनो तो मैं तुम्हें श्रोमणी बनाऊंगा। परमेश्वर का धन्यवाद उसकी असीम प्रेम के लिए जिसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया ताकि यीशु के लहू के द्वारा हमारे अंदर के पाप, हमारी नफरत, हमारी गंदगी, हमारा घमंड, हमारी चिंताएं, हमारे बोझ यीशु के लहू से धुल जाए, हम आजाद हो जाए। कलाम ने लिखा सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो सत्य, वो मार्ग, वो जिंदगी यीशु मसीह है। आइए प्रार्थना में सिरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप अपने स्वर को छोड़कर इस दुनिया में आए। हमारा जो रिश्ता हमारे परम पिता परमेश्वर से टूट चुका था उसे फिर से आपने जोड़ दिया, हमारे पापों को क्षमा किया और एक बार फिर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का अवसर दिया। हम अपनी गलतियों, अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हमें क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया।